अमृता पांडे की बहन ने बताया था कि अमृता पांडे ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमृता पांडे की हत्या गला दबा कर की गई थी। वहीं FSL ने इसे पहले आत्महत्या बताया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद SSP आनंद कुमार ने कहा कि युवती के शव मिलने का मामला सामने आया था। FSL और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, दोनों रिपोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शन है। मामले की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस के HOD से पैनल बनाकर जांच के लिए रिक्वेस्ट किया है। आत्महत्या है ये हत्या, और अगर हत्या था तो इसका मूल कारण क्या है? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इसको लेकर अमृता पांडे के परिजनों के मुताबिक वो OSD बीमारी से ग्रसित थी। इससे पहले भी उसने 2 दफा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बता दें अमृता पांडे कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी थी। खेसारी लाल के साथ वो दीवानापन फिल्म में लीड रोल निभाई थी। ये हत्या है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन OCD बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और वो पहले भी मुंबई में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो उसके मन में हो सकता है वहाँ पे सब से चलता होगा, बीमारी को लेकर तो चलता ही रहता था उसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा वो OCD को लेकर परेशान थी। और जब हम उसको देखे तो वो सुसाइड, मतलब उसको सुसाइड में ही देखे थे हम। ये हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए हमको पता है कि वो सुसाइड ही की है। वो जितना चीज बोलेंगे हम लोग उससे ज्यादा हम लोग उनको जवाब देंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बहन है, किसी और की बहन नहीं है वो। फॉरेंसिक में तो क्लियर कर दिया गया है कि वो सुसाइड है। तो एक उसमें तो बोला गया है ना कि दोबारा जांच हो जाए, दोबारा जांच होने दीजिए ना, उसमें सब पता जाएगा कि हम लोग को पता है कि सुसाइड है। दोबारा जांच किस चीज़ के लिए आपको मांग की है? दोबारा जांच नहीं नहीं, हम लोग न्यूज मीडिया से ही देखे जाने। हम लोग बॉडी आप देखे थे, क्या सिचुएशन था? हम वही खाना देने के लिए जा रही थी, मेरी विदाई थी पग फेरे की, तो अपने हस्बैंड को बोले कि खाना खा लीजिए, आप खाना नहीं खाया तो बोले कि हम लोग को विदाई में निकलना है, जल्दी खाना खिलाओ। किचन में खाना देने के लिए गए, हम बोले अमृता को ही पूछ लेते हैं। वही उसको बोलने के लिए कि अमृता तुम खाना नहीं खाओगी, तो रूम की लाइट ऑफ थी और दरवाजा हाफ खुला हुआ था, तो हम जैसे देखे अमृता अमृता बस कस के सारे लोग को चिल्लाए हम। उसके बाद हमको लगा अमृता मेरी बेहोश हो गई है, क्योंकि बीमार उमार रहती थी, कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी वो। बेड पर थी, घटना हुई थी जिसमें एक डेड बॉडी मिली थी, दिव्य धाम अपार्टमेंट है जोक्सर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी, और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया, और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया, और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ CCTV है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक FSL के द्वारा जो रिपोर्ट है, और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो HOD हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें, और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है, और एक SIT CTSP साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़ कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है, तो दोनों मैं बोला ना कि जहां कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है, और आज ही लिखा गया है, और उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका फर्दर ओपिनियन होगा, उसके आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई की जाए करेगी। और इसमें परिजनों के बयान पर एक UD केस उस समय दर्ज किया गया था, उसमें भी CTSP की तरफ से जांच की जा रही है, तो हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस पर फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लोग करेंगे। बैंक से पैसा निकासी कर घर जाने के क्रम में लोगों को छिनतई की घटना को अंजाम देने के 2 दर्जन से अधिक मामले घटित हो चुके थे, लेकिन 1-2 ही मामले में पुलिस को सफलता मिली थी। इसमें भी किसी अपराधी को घटना को अंजाम देते हुए नहीं पकड़ा जा सका था, लेकिन प्रधानाध्यापिका नीतू कुमारी और लोगों की दिलेरी से 2 बाइक सवार झपटमारों को पकड़कर पीरपैंती थानाध्यक्ष के सुपुर्द कर दिया गया। घटना के संबंध में मध्य विद्यालय गोराडी की शिक्षिका नीतू कुमारी ने पुलिस को बताया कि वो अपने सहकर्मी
कर्मी शिक्षक के साथ SBI बैंक से 50,000 रुपए लेकर जा रही थी, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो पैदल ही किसी मैकेनिक के यहाँ जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीनकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जोरदार पकड़ के कारण बदमाश असफल हो गए। भागने के प्रयास में बाइक सवार की बाइक उलट गई और वे लोग पैदल ही गौशाला के पीछे बगीचे की तरफ भागने लगे। इसी क्रम में शोर मचाने पर वहां के स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर दोनों बाइक सवार झपटमारों को पकड़ लिया। पुलिस को दोनों ने अपनी पहचान कोढ़ा गैंग के जुबरगंज निवासी रामू यादव के पुत्र प्रकाश यादव व धर्मेंद्र यादव के पुत्र सोमियल यादव के रूप में बताई है। दोनों झपटमारों के पास से दो मोबाइल, दो मास्टर चाबी तथा खुजली वाला पाउडर और एक व्हाइट कलर की अपाची गाड़ी बरामद की गई है। एक महिला लगभग 50,000 रुपया निकाल करके अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इसमें से एक प्रकाश कुमार बैंक में ही घुसा था और उसकी रेकी किया कि कोई है इसमें कस्टमर। इस महिला को टारगेट कर लिया। जैसे ही महिला बैंक से बाहर निकली, अपने पति के साथ अपने मोटरसाइकिल पर बैठी, तभी प्रकाश कुमार और उसका एक दोस्त समियल कुमार दोनों जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार, तो सब थोड़े दूर तक पीछा किया लगभग 100 मीटर। इसके बाद प्रकाश कुमार उस महिला का बैग पर्स होता है पर्स को छीना, तो महिला जो उसका मजबूती से पकड़े रही, उस दौरान महिला घसीट गई और ये दोनों मोटरसाइकिल से इम्बैलेंस होकर गिर गए। जब इसे दोनों को रोड पर ऐसा करते हुए देखा तो आम पब्लिक ने घेर लिया। तब तक प्रकाश कुमार जो है वहाँ से भागना चाहे, कुछ दूर तक भागा भी, लेकिन लोगों ने उसको दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम पुलिस को सूचना मिली, हम लोग पुलिस तब तक जनता जो है उसको पूछताछ कर रही थी। हम लोग पहुँचे तो इसको हम लोग लाए तो ये हुआ कि संभावना था कि हम पैसा छीन करके महिला से भागने चाह रहे थे। नौगछिया में चोरी और बैंक लूट कांड की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला तिवारी गैंग के 9 अपराधियों को नौगछिया पुलिस ने NH 31 बस स्टैंड के पास बंधु होटल से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में नौगछिया SP पूरन झा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 31 स्थित बंधु होटल में 9 अपराधी इकट्ठा होकर आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई हेतु SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। सभी टीम के सदस्यों ने जब बंधु होटल पहुंचकर तलाशी तो एक हॉल नुमा कमरे में 9 व्यक्ति संदिग्ध हालत में थे। तलाशी लेने के बाद उनके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 1 एंड्रॉइड मोबाइल, 5 कीपैड मोबाइल, 1 पासबुक, 2 ब्लैंक चेक, 2 आधार कार्ड और 21,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया। SP ने जानकारी देते बताया कि इन सभी अपराधियों को स्वीकार किया गया, अलग अलग जिला अंतर चोरी और लूट जैसे कांडों में संलिप्त है। इन सभी अपराध कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न जिला के विभिन्न थानों में पूर्व में भी मामला दर्ज है। गिरफ्तार अपराधियों में कमालपुर सिंधिया थाना बिदुपुर निवासी अजीत तिवारी, अक्षय तिवारी हाजीपुर सदर के लाल पोखर निवासी, राहुल कुमार वैशाली जिला के गंगावरी थाना क्षेत्र के नवादा निवासी, शत्रुघ्न पांडे, गोविंद पांडे, अरविंद पांडे, छोटू मिश्रा, बेगूसराय जिला के फुलवरिया थाना क्षेत्र के सोकराहा बरौनी निवासी दीपक कुमार उर्फ राहुल कुमार, मुजफ्फरपुर जिला के रतवारा निवासी राहुल कुमार बुद्धानी मिश्रा शामिल है। इसमें से 5 अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जी, कल रात को हम लोगों को सूचना मिली थी कि तिवारी ग्रुप, जो कि मुख्य रूप से चोरी एवं लूटपाट छिनतई की घटना करता है, उसके कुछ सक्रिय मेंबर नौगछिया पुलिस जिला में इकट्ठा होकर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष टाउन के द्वारा एक टीम बनाकर रेड की गई। उस रेड में हमें वहाँ से 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से एक हथियार, एक जिंदा गोली, 21,000 रुपये कैश एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये सभी लोग वैशाली एवं मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी NH पर स्थित एक होटल से हुई है। योजना बनाया जा रहा था क्या? जी, ये सब मिलकर के अपराध करने की योजना बना रहे थे। किस तरह के इसका सक्रिय अपने जिले में इसका है? इन 9 में से 5 लोगों का हम लोग को आपराधिक इतिहास मिल चुका है, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इन पर पुराने मामले जो भी हैं वह सब लूट के एवं छिनतई के हैं। इन पर मोतिहारी में, सारण में, समस्तीपुर में इत्यादि जगहों पर मामले दर्ज हैं। अपने जिले में कई घटना नहीं, अभी तक अपने जिले में इन्होंने कोई घटना नहीं की। क्या प्लान कर रहे थे सर ये लोग एकजुट होकर? मुख्य रूप से इनका जो मोडस होता है वो होता है कि बैंक से यदि कोई व्यक्ति पैसे निकालता है उस पैसे को छीन करके ये लोग भाग जाते हैं। तो कल ही शाम ये लोग आए थे एवं पुलिस ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए इनको कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया।
भागलपुर के 291 में स्थापना दिवस के मौके पर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन के समीप उप विकास आयुक्त अनुराग कुमार ने पौधारोपण किया। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उप विकास आयुक्त ने बताया कि चुनाव और वोटिंग को लेकर इस बार स्थापना दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। अगले साल खास तरीके से भागलपुर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन अभी से तैयारी में जुटा है। आप लोग जानते हैं 4 मई और आज हम लोग भागलपुर के जिला स्थापना दिवस के तौर पे इसको मना रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये अभी जो आचार संहिता और जो चुनाव का हम लोग का पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, उसके मद्देनजर, क्योंकि हम लोग बहुत बृहद स्तर पे अभी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ये कलेक्ट्रेट में रखा है सभी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके समक्ष। क्योंकि जो स्थापना दिवस है भागलपुर के लिए, आप लोगों को भी पता होगा कि 2018 में कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने इसमें हिस्टोरियंस भी थे, और ये 4 मई का डेट आया था कि इसकी स्थापना 4 मई 1773, तो समझ सकते हैं कि 251 साल पूर्ण हो गया है। उसके बाद कई लेवल पे पत्राचार भी किए गए कि जिला स्थापना दिवस भागलपुर में मनाया जाए, उसकी फिर सहमति भी मिली है, और इस बार चुनाव के कारण हम लोग इसको वृहद स्तर पर अगले साल से मनाएंगे। और इस साल हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो स्थापना दिवस है हमारा, इसमें सभी विभाग के सारे अपने हेड्स आएँ, और एक साल, क्योंकि भागलपुर बहुत ही ऐतिहासिक जिला है और ये बहुत ही गौरव पूर्ण क्षण होता है किसी पदाधिकारियों के लिए यहाँ पे काम करना, तो अपने एक साल में वो लोग अपने अपने विभाग में क्या कार्य करने का विजन रखते हैं और करेंगे, वो हम लोगों के साथ यहाँ पे साझा करेंगे इस कार्यक्रम में। और हम लोग आशा यही करते हैं कि अगले साल से कला संस्कृति विभाग के तौर से इसको और वृहद रूप दिया जाए, और उसको और वृहद रूप हम लोग जिससे आम जनता के साथ भी इसको मना सके। और अभी आचार संहिता के कारण भी हम लोगों की कुछ लिमिटेशन है, तो अगले साल से इसको और वृहद स्तर से हम लोग मनाएंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में अभी चिलचिलाती गर्मी व तापमान से आम जीवन अस्त व्यस्त है। एक और गर्मी, दूसरी और अगर पानी की किल्लत है, तो एक कहावत चरितार्थ सिद्ध होती है, कोढ़ में खाज। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नाथनगर चौधरी टोला वार्ड 12 आकर देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने इस वार्ड के पार्षद पर आरोप लगाया है कि वे इस बाढ़ पर ध्यान नहीं देते, हम लोगों को कूड़े के ढेर के पास गंदी नालियों व जल के अभाव का दंश बरसों से झेलना पड़ रहा है। वे कहते हैं कभी भी 7 दिन में एक दिन निगम के सफाई कर्मी आ जाते हैं और बर्ताव ऐसा करते हैं मानो एहसान कर रहा हो। वार्ड पार्षद के भी उदासीन रवैया से हम लोग नाराज है। इस चिलचिलाती गर्मी व धूप में पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं है। वार्ड नंबर 12 में कूड़ा से बहुत ज्यादा परेशानी है, कूड़ा उठाने नहीं आता है। 8 दिन में एक दिन आएगा, ऊपर से झंझुआएगा। कौन झंझुआता है? कूड़ा उठाने वाला। क्या कहता है? बोलता है आते हैं, नहीं भेजता है नगर निगम हम लोग को, ऊपर से पार्षद नहीं भेजता ऊपर से। हम लोग लगाए हैं 15 साल से, हमारा नाम कुछ न हुआ। काहे नहीं कुछ हुआ? यहाँ तो साफ साफ सफाई होवे करता है, नगर निगम कार्यालय में आपके वार्ड के द्वारा तो हो ही रहा है। नहीं भौंसा उठ रहा है, नहीं लाली साफ हो रहा है,
कुछ न पानी चल रहा है, कुछ नहीं नहा हो रहा है हम लोग को मोहल्ला में। आपके वार्ड में प्रतिनियुक्त तो साफ सफाई कर्मी तो होंगे ना? नहीं नहीं, हम लोग तो हो न रहा, होता तो हम लोग कहे आप लोग अथी बोलते। तो क्या नाम है उनका साफ सफाई करने वाले का? सिकंदर। उनको उनको पूछे कि काहे नहीं आते हैं? हाँ, एक बार दो बार हम लोग गए थे, माँ बोले कि हम लोग का वहाँ साफ न हो रहा था, बोला कि ना हम लोग भेज दिए है। किनको भेज दिए है? मैं कि साफ करने वाला को। अच्छा, साफ करने वाले को भेज दिए है? भेज दिया है, वहाँ साफ हो जाएगा। फिर भी दो दिन एक दिन आया जो साफ कर रहा था, उसको बोला देखिए ना भूसा उठा लीजिए, इधर साफ कीजिए करके उधर ऑर्डर ने हम लोग को दिया। कौन कहा ये बात? ये बात जो साफ करने आता है। 12 नंबर वार्ड से कोई भी कर्मचारी जो है आता है, 10 दिन 5 दिन पे आता है, कूड़ा साफ नहीं करता है ढंग से, नाला सब गंदा है। और जो है जब उनके शिबू खान के घर पे जाते हैं बोलने के लिए तो बोलता है पैसा लिए हैं तो वोट दिए हैं, पैसा ले करके वोट दिए हम लोग, हम लोग को एक रुपया नहीं मिला, हम लोग को वोट दिए हैं। कंप्लेन किए थे नगर निगम में आप लोग? जी किए थे कंप्लेन, कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसको कंप्लेन किए? किए थे, कागज बना करके दिए थे एक बार, फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुंशी को बोले तो क्या बोला मुंशी? वो शिबू खान का मुंशी, हाँ, वो बोला कि मुझे पैसा लिया तो वोट कहाँ से तुम दियो, पैसा लेकर के वोट दियो। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? फिर करें क्या? जो अपने से कूड़ा फेंकेगा वो कूड़ा क्या करेंगे? वो जाते हैं बुधिया हॉस्पिटल के पास में सारा कूड़ा उठा करके जो है वहीं डालते हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत अंतर्गत 5 नंबर वार्ड में नल जल योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। बता दें वार्ड नंबर 5 में नल जल योजना का कनेक्शन दिया तो गया है, लेकिन सभी जगह पाइप टूटे फूटे हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं बात करें मुखिया पायल शर्मा की तो पंचायत में रहती ही नहीं है, मुखिया का पदभार ग्रहण करने के बाद वो अक्सर पंचायत के बाहर ही रहती है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार मुखिया को फोन कर स्थिति की जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक मुखिया सुध लेने तक नहीं आई। वहीं ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि यदि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निदान नहीं किया गया तो हम मजबूर होकर प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार यादव के द्वारा कहा गया कि समस्या के बारे में मेरे द्वारा भी मुखिया तथा पीएचडी विभाग को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पंचायत वासी मुखिया तथा पीएचडी विभाग में उदासीनता झेल रहे हैं। चारों बल पानी का बहुत त्राहिमाम है। सरकार का जो नल जल योजना है कुछ जगह तो कारगर है, कुछ जगह जो है ये ध्वस्त हो चुका है। इतना खर्चा करने के बाद भी बहुत जगह है, जैसे 5 नंबर वार्ड में पानी नहीं जा रहा है। जाके वहाँ के जनता से मिलिए, जाके देखिए वहाँ की समस्या को, तब आपको पता चलेगा। और 1 नंबर वार्ड जो है जो दीनदयालपुर ग्राम पड़ता है, नल जल बोरिंग सब पाइप वाइप सब बिछाया, फिर भी 20-25 घर ऐसा बाकी रह गया जिसमें कि नल जल का पानी नहीं जा रहा है, पाइप ही नहीं गया है 20-25 घर में। अच्छा, ये पानी के लिए वंचित है। अब पानी का तो महत्व अभी पता चलता है ना, जब त्राही माम होता है चारों बल सब जगह से फोन मैसेज होने लगता है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग अब मुखिया जी को इस बात पे अब हम लोग बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही है। पायल शर्मा को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि वो तो अब क्या बतावे, जनता वगैरह तो उनको फोन करके बोला, लेकिन उस पर कोई असर वगैरह नहीं हो रहा है। जिस जिस पंचायतों में कोई ऐसा कोला छूट गया हो, जहां 10 वर्ष 20 वर्ष 50 घर छूटे हुए, उनको मैंने दिया है कि आप अपना संयुक्त साइन से स्थानीय मुखिया और जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये वार्ड सदस्य के माध्यम से उसको समर्पित करें, साथ ही प्रमाण पत्र भी, कि अब हमारे पंचायत में अगर सपोज कीजिए कि किसी टीए के पास 4-5 पंचायत है, तो एक प्रमाण पत्र देगा कि जितना उनके द्वारा वो रिपोर्ट दिया जा रहा है, इन ये टोलों में पानी नल नहीं पहुंच पाया, इससे अधिक कोई भी ऐसा टोला है जो छूटा हुआ नहीं है। और जहां जहां ये चापाकल खराब है पीएचडी को मैंने दे दिया है, और वो समाप्त कुछ दिन में बन जाएगा। और जहां तक रहेगी अभी हम कुछ दिन में बात भी द्वारा कर लेते हैं कि उनको वार्ड नंबर 5 में कुमेटा का काम हुआ या नहीं। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर गांव के महादलित परिवार की जमीन पर भू माफिया का कब्जा करने के प्रयास मामले में अंचलाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस देकर शनिवार को सजौर थाना की जनता दरबार बुलाया गया, जिसमें एक पक्ष से जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास दरियापुर महादलित परिवार के साथ जनता दरबार पहुंचे, और दूसरे पक्ष से भू माफिया शंभू चौधरी, रतन झा, श्रीराम पंडित, परशुराम यादव, प्रकाश यादव, अभय सिंह पहुंचे। जनता दरबार में अंचल कर्मचारी के द्वारा भू माफिया को अपनी
जमीन को सरकारी अमीन से मापी करने का आदेश दे दिया गया और बिहार सरकार की जमीन पर अपने जमीन जब तक सरकारी अमीन से नापी नहीं आती तब तक जमीन पर कोई भी कार्य करने पर रोक लगा दिया गया। इस दौरान अंचल के कर्मचारी और सौर थाना के पुलिस कर्मी एवं जमीन विवाद मामले में कई लोग मौजूद थे। वहाँ पे हुआ, दोनों माफिया जो है, दोनों पार्टी जो है थाना गए। थाना में दिया गया है, कर्मचारी साहब बोला किनको, दोनों पार्टी को, कि जब तक कि वहाँ सरकारी नौकरी नहीं होगा को उसमें कुछ कर नहीं सकता है। जमीन पे कोई लिखे, जमीन पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं होगा। किनको कहा है? माफिया सबको बोला है। कौन कौन पहुंचा था वहाँ? वहाँ शंभू चौधरी, रतन झा, परशुराम यादव, प्रकाश यादव भी सब पहुँचा था, जितना भी था वहाँ पे कलेक्टर जितना भी है टोटल पहुँचा था वहाँ। कि वहाँ जो जनता दरबार में ये लोग गए दोनों पक्ष के लोग, तो दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और निष्कर्ष निकला कि आप जो है सरकारी अमीन के द्वारा उसकी माफी करवाई जाए, जिसका वो जमीन है। अगर निजी जमीन उसका उसके पीछे है, क्योंकि वो जिस जमीन में ये लोग रह रहे वो निजी जमीन किसी का हो नहीं सकता, वो बिहार सरकार की जमीन है क्योंकि उसके बगल से डांड़ गया हुआ है। तो डांड़ तो एक्चुअल में वैसे भी बिहार सरकार ही होता है, फिर भी उन्होंने बोला कि आप लोग नापी करवा लीजिए, उसके बाद जो जिसके पक्ष में होगा वो उचित कार्रवाई होगी उस पर। नाथनगर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म जमा करवाने लगातार स्थानीय महिलाएं चक्कर काट रही थी। उन लोगों का फॉर्म जमा नहीं हो रहा था, जिसके बाद 12-15 महिलाओं ने प्रखंड परिसर में जोरदार हंगामा कर दिया, जिसके बाद महिलाओं का फॉर्म जमा करा लिया गया। फॉर्म जमा होने के बाद सभी महिलाएं वहां से चली गई। इंदिरा आवास का फॉर्म भरने आए थे, 2-3 दिन से आ रहे थे, फॉर्म जमा नहीं ले रहा था। यहाँ पे यही हुआ था, मैंने 2-3 दिन से फार्म वार्म भर रहा था, भरवा के मैंने इंदिरा आवास के आ रहा था, तो ये सब जमा नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा था, तो बोला हम यहाँ पे जमा नहीं होगा, यही सब बात।